नमस्कार, एसएन न्यूज में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ कुसुम सिंह। आज हमारे साथ है एक महान गीतकार और एक महान लेखक जो बहुजन समाज के लिए तरह तरह के गीत लिखते रहते हैं। सर, आप लोगों का बहुत बहुत स्वागत है हमारे चैनल पर। धन्यवाद आपका भी। सर, सबसे पहले तो आपके गीत के कुछ बोल हमें सुना दीजिए। वो गीत आज जो दिन है, शांति स्वरूप बोध जी जो हमसे कहना चाह रहे हैं, अपनी समाज से कहना चाह रहे हैं आज के हालातों पर। जी जी, अपनी समाज से कहना चाह रहे हैं जी। वो चीज़ यानी आवाज़ मेरी है, लेखनी संजय भाई की है, लेकिन कह कौन रहा है, हमारे शांति स्वरूप बोध जी। तो वो गीत है, वो मैं उसकी चार लाइन आपको सुनाता हूँ। दुनिया में जो आया है, सदा कौन रह पाया है। दुनिया में जो आया है, सदा कौन रह पाया है। मैं नहीं तो यादें सही, चक्र काल ने घुमाया है। दुनिया में जो आया है, आगे क्या कहते हैं, उनका नाम जो था शांति स्वरूप बोध जी था, तो अपने नाम के बारे में बता दें। मेरे नाम में शांति है, वो तूफान की शांति है। कर जाऊं मैं जब जब भी, उठी वे चारी क्रांति है। मेरे प्यारो नगम करना, ओझल मेरी काया है। मैं नहीं तो यादें सही, चक्र काल ने घुमाया है। दुनिया में जो आया है। धन्यवाद। तो सर, आवाज़ का जादू तो आपका है, लेकिन कलम का जादू इन्होंने भी बिखेरा है। तो सर, आपने कलम का जादू कैसे बिखेरा? जी, ये गीत लिखते टाइम मेरे जहन में ये विचार आ रहा था कि मैं क्या थीम रखूं इस गाने की। तो मेरे विचार में बाबा यही आ रहा था कि अगर शांति स्वरूप बोध जी को अपने परिनिर्वाण से पहले अगर थोड़ा सा भी समय मिलता और वो बात कर पाते अपने समाज से, तो वो उनके मन में क्या विचार रहते। तो उसी चीज़ को मैंने जहन में रखते हुए मैंने सोचा कि ये गीत क्यों ना उन्हीं के शब्दों में बयान किया जाए। तो मैंने पहले उनके बारे में सोचा कि उनकी मनन स्थिति क्या होगी उस वक्त जब वो अपने देह को त्याग रहे होंगे। तो उसी विचारों को आत्मसात करते हुए मैंने इस गीत को लिखना शुरू किया और ये गीत आपके सामने है, जिन्हें आपने अभी इतने मीठे स्वर में सुना। सर, वाकई बहुत सुंदर गीत है आपका। सर, आपके अनुसार से गीत आपको कैसा लगा? गाना बहुत अच्छा है। शांति जी हमारे बोधाचार्य जी थे, उनके ऊपर जो ये गाना गाया है बहुत अच्छा है और पूरा सटीक उन पर बैठता है। और शांति जी ने भी अपना जीवन सारा समाज को समझाने में और जो है उनको एक अच्छी रूपरेखा देने के लिए उन्होंने अपना सारा जीवन लगा दिया। हम सभी जो है उनको अपना अंजलि देते हैं, श्रद्धांजलि देते हैं। जय भी साथी। सर, आपका ये सुंदर सा गीत दर्शकों को कहाँ सुनने को मिल सकता है? जी, मैं यही कहना चाहता हूँ कि ये गीत नहीं है, ये एक तरीके से उनका संदेश है जी। जो अपने समाज के लिए है, अपने लोगों के लिए, कि वो शांति जी कहीं गए नहीं है, वो हम सबके बीच में ही है, अपने विचारों में जिंदा हैं, अपनी बातों में जिंदा हैं, अपनी यादों में जिंदा हैं। वो जब जब भी हम उनके पुराने टेप्स, पुराने गीत या जो भी उनकी बातें हैं हम उनको सुनेंगे, उनकी लिखी किताबें पढ़ेंगे, तो शांति जी कहीं नहीं गए हैं, वो हमारे बीच में ही हैं। तो वो हमेशा हमें मार्गदर्शन देते रहेंगे, प्रेरणा देते रहेंगे, मैं यही कहना चाहूँगा। और ये इस गीत को आप गीत ना समझें, इसे एक संदेश समझें उनका। बहुत बहुत धन्यवाद सर आप लोगों का। हम आशा करते हैं आप इस तरीके से गीत लिखते रहिए, गाते रहिए और बहुजन समाज के मिशन को आगे बढ़ाते रहिए। बहुत बहुत धन्यवाद सर।